नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गार्डन में कुछ काम करने जा रहा हूं, तो मेरे जितने भी जो बरसात के पौधे थे फ्लावरिंग के, जो बालसम के, वो ख़राब हो गए। वो उसको पहले मैं इसके सीड जो पके हुए हैं वो निकाल लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये बालसम के प्लांट थे, साथ में कॉप्सकॉम थे, ये सब निकाल दिए क्योंकि अब इसकी फ्लावरिंग की सीज़न हमारे यहाँ धीरे धीरे ख़त्म होने आई है। फ्लावर नहीं आते, एक दो फ्लावर रहते। और सीड तो मैंने इसके काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए हैं, इसीलिए इसको पूरा ऐसे निकाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा गमला है उसमें जगह काफ़ी सारी हो जाएगी। ये देखिए, तो पहले इसमें मैं गुड़ाई नहीं कर पा रहा था, खाद अच्छे से नहीं दे पा रहा था, और इसमें दो प्लांट लगे, एक कनेर एक नागचंपा। ये देखिए, नागचंपा की कटिंग ले दी, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही, तो इसी वजह से ये ठीक हो गया। और अब आपके प्लांट फ्लावरिंग करना ख़त्म कर दिए हैं जो मॉनसून के प्लांट थे, तो आप हटा दीजिए ताकि विंटर की तैयारी आप कर सको, विंटर के प्लांट लगा सके। और ये फ्लावरिंग ख़त्म कर देते हैं तो देखिए इस तरह से अच्छा भी नहीं दिखता। ये देखिए एकदम कैसा दिखता है, तो इसे निकालने से गार्डन में भी अच्छा लगेगा, एकदम हरा भरा। और ये प्लांट भी हमारे, ये देखिए इस तरह से, तो गमला भी एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा दिखेगा। अगर आपके वहाँ फ्लावरिंग हो रहे तो फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद आप निकाल सकते हो। क्या होता है, इससे कचरा बहुत सारा फैलता है गार्डन में, और इधर उधर पूरी पत्तियाँ बिखर जाती है। तो ये काम आपको करना है ताकि
आपके प्लांट में क्या है कि अच्छे से ग्रोथ करे। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें विंटर के प्लांट भी हमें लगाने हैं, और जो हमारे परमानेंट प्लांट है उसको भी अच्छी केयर करनी है। नहीं तो विंटर में परमानेंट प्लांट में क्या होता है कि अच्छे से खाद पानी नहीं दे पाते, तो फिर गर्मियों में तकलीफ़ हो जाती है प्लांट में। तो इसी वजह से ये मैंने क्या किया था कि बालसम के सीड सभी गमलों में डाल दिए थे, तो इसी वजह से देखिए मेरे पास गमले भी कम थे, तो मैंने सारे बहुत सारे प्लांट थे मेरे पास, तो सारे गमलों में ऐसे प्लांट लगा दिए थे। ये देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड है, इसमें भी देखिए कलियाँ बनने लगी जो मैं आपके साथ शेयर किया था। बस यही काम मैं कर रहा हूँ गार्डन में। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी कीड़े लगे हुए प्लांट हैं उनको हटा दीजिए ताकि दूसरे प्लांट में भी कीड़े ना लगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।